एक बड़ी बात और सामने निकल कर आ रही है कि सैलजा के जो सपोर्टर हैं, जो वर्कर हैं, जो साथ में काम करते हैं, वो बोल रहे हैं कि जी सैलजा जी ने हुड्डा को बड़ा मान सम्मान दिया। वहाँ पे उनके होर्डिंग में, न्यूज़पेपर के अंदर, पोस्टर्स के अंदर, डिजिटल के अंदर, उनकी हर जगह उनको बराबर दर्जा दिया, सम्मान में उनका फ़ोटो रखा। बट यहाँ क्या हुआ, जेपी जी ने अपने किसी कार्यक्रम के अंदर सैलजा जी की कहीं भी कोई फ़ोटो या उनका कोई जिक्र नहीं किया। तो इससे जो समर्थक जो है नाराज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वो तो कैंडिडेट को खुद को देखना ही चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, ठीक है, वो हमारे यहाँ प्रत्याशी। तो ये गलती की है इसके पूर्व में, ये गलती की है कांग्रेस ने। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो उन्होंने क्यों नहीं लगाया या लगाया, मैंने ना तो कोई पोस्टर देखा है। आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर नहीं लगाया तो उनको लगाना चाहिए था। क्यों नहीं लगाया वो बता सकते हैं, लीडरशिप की लगती है और होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। ये नाराजगी है, वाकई में नाराजगी है सैलजा समर्थकों में, इस बात की नाराजगी है कि कहीं ना कहीं उनकी फोटो नहीं लगी, तो वो नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वोटिंग के टाइम पे कितना उनको उनकी द्वारा सपोर्ट किया गया या नहीं किया गया। एक सर बड़ा सवाल हो रहा है सामने कि बरवाला में आप एक्टिव हैं और बरवाला के ही एक ओबीसी नेता है, काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियां भी उन्होंने करवाई है, जेपी जी के प्रोग्राम में रोड शो भी करवाया था और बड़ी बड़ी रैली भी करवाई थी। बट अब खबरें निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने टांग खींचने का काम किया है। नहीं, उसका भी रीज़न है मेरे पास, वो बताता हूँ मैं आपको। अभी इंडिया गठबंधन की आपने बात की, तो अभी एक सुबह ही रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो उसमें ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, अभी जो सातवां चरण, जो लास्ट चरण के चुनाव वोटिंग बाकी है ना, तो अभी पंजाब की भी पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसमें ना अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तगड़ा मुकाबला रहेगा, इस सीट के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला रहने वाला है, इस सीट के ऊपर बीजेपी और आपका मुकाबला रहने वाला है, बाकी जगह तो गठबंधन है आपका, पंजाब में गठबंधन नहीं है, पंजाब में वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहे हैं, वहाँ गठबंधन की आपको जरूरत नहीं पड़ी, बाकी जगह आपको गठबंधन चाहिए, ये तो मतलब की राजनीति हुई ना। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है, क्या होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, राजनीतिक विश्लेषण जारी है और इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं युवा नेता कृष्ण सातरोड़ जी। नमस्कार जी। सर, क्या हाल चाल? मैं बहुत अच्छा हूँ और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के, हमारा चुनाव देख करके कार्यकर्ताओं का मन, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में बताता हूँ कि और ज़्यादा मन लगा हुआ है। मतलब टिकटों का बंटवारा हुआ होते ही आपने सार छोड़ के अपना बोरिया बिस्तरा बांध के सिरसा की तरफ निकल लिए? ना, ऐसा नहीं है कि हम टिकटों के बाद ही वहाँ चले गए। वैसे तो इतना छोटा सा हरियाणा है और उस पर वैसे मैं इत्तेफाक से, मेरे पास एक जिम्मेवारी है, मैं यूथ कांग्रेस का हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यूथ कांग्रेस का हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे पास 2 लोकसभा का चार्ज है, एक लोकसभा सिरसा और एक लोकसभा कुरुक्षेत्र है। इत्तेफाक से कुरुक्षेत्र जो है वो 3 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी के कोटे में हमारे पास चली गई थी, तो वहाँ उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो मेरे पास संगठन की जो जिम्मेवारी है वो भी सिरसा की ही है। और इत्तेफाक से मेरी नेता वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने मेरे को एक उसके साथ साथ एक असाइनमेंट दिया, काम दिया, जिसको मैं वहाँ पूरा कर रहा था, तो संगठन का दायित्व भी मेरे पास वहाँ मेरे पास है। और फिर मेरी नेता वहाँ से चुनाव लड़ी थी, तो उसी संदर्भ में हम वहाँ काम कर रहे थे। तो ग्राउंड जीरो पे आपने वर्क किया है, गांव-गांव आप घूमे हैं, कुमारी सैलजा जी की क्या सिचुएशन है सिरसा के अंदर, सिरसा की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में सबसे बड़ी जीत है और हरियाणा में 10 के 10 सीटों के ऊपर कोई भी अगर जीत रहा है तो उसमें कुमारी सैलजा सबसे बड़े मार्जिन से हरियाणा में जीतेंगी, ये मेरा मन भी मानता है और वहाँ लोगों का उत्साह देखा था उससे भी ये समझ में आता है। तो ये बीजेपी का जो 400 पार का जो नारा है, ये क्या है, जुमला है या फिर कुछ और है? ये आपने बताया ना, नारा है, ये नारा ही है, नारा ही है खाली। देखिए, हमारे पास तो ना बहुत बड़ा एक उदाहरण है और बहुत बड़ा उदाहरण क्या है कि 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, इत्तेफाक से 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में 90 विधानसभाओं में से 79 पे अकेला बीजेपी जीती थी हरियाणा में, एक पे जेजेपी नारदून से जीती थी और 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीत करके आई थी। और तुरंत उसके बाद में बीजेपी ने एक नारा दिया था 75 पार, और लोगों को ये लग भी रहा था क्योंकि उनका रिजल्ट 10 की 10 सीटें वो जीते थे, बड़े मार्जिन से सीटें जीते थे, 79 विधानसभाओं में जीत करके आए थे, तो उनका जो मोरल था वो बहुत ऊंचा था और किसी वजह से हमें मात मिली थी, चुनावी मात मिली थी, जिससे हम 10 की 10 सीटें हारे थे और हमारा जो वर्कर था उसका मोरल जो था वो इतना अप नहीं था और हम डिमोरलाइज थे कुछ ना कुछ। उसके बाद
जब 3 महीने 4 महीने बीते और जब पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और हमारे प्रत्याशी जब दिए, आप देखते हो उनका 75 पार का नारा कहाँ था। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये 75 पार का नारा 2019 में जो विधानसभा में दिया था, सेम वही 400 पार का नारा है जो हरियाणा में हुआ, वो आप देश में होता देखेंगे। तो ये जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, अभी मीनू बेनीवाल जी हैं आपकी सिरसा के अंदर ही, वो बोल रहे हैं कि जी तो इतना बड़ा हवा बना रखा है कुमारी सैलजा के नाम का, अभी तो सारे के सारे हलकों में इनके ऑफिस तक नहीं खुले, वो तो खामे खा मतलब बिना मतलब पता नहीं क्यों हवा बना रखी है, सैलजा जीतेगी वो तो आसपास भी नहीं है जीत के। देखिए वो अभी अभी पॉलिटिकल वर्कर बने हैं वो, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करी है, इससे पहले मेरे ख्याल से किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं है। मेरे ख्याल से वो अपना व्यापार करते हैं या जो भी साइड बिजनेस जो भी करते हैं, हो सकता है उनका राजनीतिक अनुभव ना हो और वो किसके लिए कह रहे हैं शायद उसको ये समझ ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में अभी वो कार्यकर्ता की भूमिका में आए हैं, नेता बनने का प्रोसेस चलेगा, 2 पैसे का मेरे ख्याल से जुगाड़ उनका अच्छा है और वो समझते हैं कि शायद पैसा सारी कुछ चीज़ है और उन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। वो जितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो वैसे तो मेरे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है वो, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने कहा दफ्तर नहीं खोले हैं, ऐसा है वैसा है। देखिए मैं चुनाव शुरू होने से पहले, मतलब जब हमारा यहाँ टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले हमें जब आभास हुआ कि हमारे नेता चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास दायित्व था सिरसा का, तो मैं था सिरसा में, हम कार्यकर्ता के तौर पे वहाँ काम कर रहे थे, ऑफिस खोलने की बात आती तो जैसे ही टिकटें अनाउंस हुई हैं डे फर्स्ट से हमने हर विधानसभा में ऑफिस खोल दिए थे, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर वो ऐसा कह, या तो उनके पास जानकारी का अभाव या वो झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो, उनको पता ही नहीं फिर इस बात का, बगैर ऑफिस चुनाव लड़े जाते हैं। एक बड़ी घोषणा हुई, बड़ी घोषणा हुई, जो बाबा राम रहीम है उनको 55 दिन की पैरोल मिल गई इलेक्शन से जस्ट पहले, घोषणा हुई थी पैरोल आखिर नहीं मिली उनको, तो उनका एक मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसके अंदर लिखा हुआ था कि सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बाबा जी के 1.25 लाख से ऊपर समर्थक हैं जो वोटर भी हैं, अगर वो वोट बीजेपी की तरफ जाते हैं तो क्या नुकसान होने के चांसेस हैं कुछ? देखिए सारी बात झूठ के ऊपर टिकी हुई है, आपने कहा कि ऐसा हुआ, देखिए हर आजकल हर देखो वोटर को ना इस तरीके से ये समझना कि आप कोई भी झूठ फैला दो अगर वोटर उस बात को मान लेगा, तो डेफिनेट कह रहा हूँ मैं लोगों के बीच में रह करके ये बात कह रहा हूँ कि लोगों को हमारे से ज़्यादा जानकारी होती है कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल लीडर जो है वो कैसी झूठ बोल रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है कि हरियाणा सरकार उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकती, और इसके ऊपर बहुत बड़ा सा बवाल है जिसके बाद राम रहीम जी खुद कोर्ट में गए हुए हैं कि भाई आप इसके लिए पैरोल के लिए मुझे छूट दो कि सरकार मुझे पैरोल दे, तो सबको इस बात का पता, जब उनकी पैरोल हुई नहीं, कोई ऐसी बात हुई नहीं, और मेरे ख्याल से जो मुझे मेरे संज्ञान में है कि डेरे ने किसी प्रकार का किसी को वोट देने का फैसला भी नहीं किया और कोई इस तरह का इशू था नहीं मेरे संपर्क में। मैं जब टवाना देख रहा था भास्कर के अंदर, मैंने खबर पढ़ी थी भास्कर के अंदर, मैंने उसके जो इनका जो ऐप है उसके ऊपर ये खबर आई हुई थी कि डेरा की तरफ से कंफर्म किया गया है कि वोट बीजेपी को जाएंगे। ना ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, और डेरा से जुड़े हुए लोग जैसे कार्यकर्ता के तौर पे आस्था किसी की कहीं भी हो सकती है, तो लोगों की जो आस्था थी उस तरीके से डेरे से जुड़े हुए हैं वो बहुत लोग हमारे भी संपर्क में थे, हमारी बातचीत हुई उनसे, उन्होंने लास्ट में आखिरी दिन कांग्रेस को वोट दिए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई किसी प्रकार का मैसेज नहीं है और ना डेरे ने किसी प्रकार की सूचना जारी करी है, पता नहीं कहाँ से चला कैसे चला मुझे तो समझ से बाहर है। तो कितने वोटों से जीत मान रहे हैं आप कुमारी सैलजा जी की सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी से? मैंने बताया आपको कि हरियाणा में सबसे 10 की 10 सीटों में सबसे ज़्यादा वोटों से कुमारी सैलजा जीत करके आएंगी। अब इसका नंबर मैं ये मानता हूँ कि 2 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से जीतेंगी। 2 लाख का मतलब ये मिनिमम है, मैक्सिमम 5 तक 6 तक कहीं तक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मैंने आपको बताया है कि इससे ज़्यादा वोटों से कुमारी सैलजा सिरसा से चुनाव जीतकर मेंबर पार्लियामेंट बनने वाली हैं, संसद जाने वाली। तो ओवरऑल हरियाणा में क्या रहने वाला है? मैंने बताया और भी साथियों से बात हुई है कि हरियाणा में 11 सीटों के ऊपर चुनाव होता है, 10 लोकसभा की और एक बाई इलेक्शन है हमारा विधानसभा करनाल का। कांग्रेस पार्टी 11 की 11 सीटें जीतने वाली है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है, और सरकार के 4 महीने बचे हुए, मुझे नहीं लगता सरकार 4 महीने भी चल पाएगी, सरकार 4 महीने से पहले जवाब देगी, समय से पहले चुनाव भी होने की संभावना हो सकती है।
कई चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, आप 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, बट अभी भी जो ना वो मतलब लोग बोलते हैं, जनता बोलती है, मीडिया में भी चर्चाएं होती हैं कि गुटबाजी है, हावी रहती है, और ये गुटबाजी ने विधानसभा में भी इनको नुकसान पहुंचाया है, लोकसभा में इनको नुकसान पहुंचाने वाली है। अब जेपी की बात करें हिसार से, तो कोई बड़ा नेता हुड्डा साहब को छोड़कर कोई उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आया। अब बात ये हो रही है कि प्रियंका जी आई थी सिरसा के अंदर, बट उनका जो रोड मैप था, रूट था, उससे भी कम टाइम में उन्होंने अपना वो समापन करके उसको निकल गए वहाँ से। जैसे महेंद्रगढ़ में राहुल जी आए थे, तो वहाँ पे किरण जी और राव दान सिंह जी आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। तो ये आपस की जो ये फूट है, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करने वाली है? देखिए, कांग्रेस जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो गिरोह नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको कोई चीज़ बहस लगती, हम बातचीत करेंगे तभी मीडिया को बहस लगेगी कि ये लोग बहस कर रहे हैं, नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के साथ ही फैसले होते हैं। हो सकता है कि मैं और मेरा कोई दूसरा कार्यकर्ता साथी जो है किसी बात को लेकर के असहमत भी हूँ, वो किसी तरीके से काम करना चाहते हो, मैं किसी तरीके से काम करना चाहता हूँ, तो असहमति का मतलब ये नहीं होता। हमारी पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अलग अलग असहमतियों को सहमति में बदल कर जब आगे बढ़ते, ऐसा कोई विषय नहीं होता है। हम गिरोह तो नहीं चला रहे हैं कि किसी एक आदमी ने बोल दिया वही होगा, एक आखिरी आदमी वहाँ से कोई भी मैसेज दे देगा, वो अच्छा हो बुरा हो वो सबको माना नहीं। हमारे पास अख्तियार है कार्यकर्ता के तौर पर, अगर हमारा नेता कोई भी किसी प्रकार का अगर फैसला करता है, तो अगर वो फैसला गलत है, अगर वो फैसला सही नहीं है, तो कार्यकर्ता के तौर पे हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, हम असहमति दर्ज करा सकते हैं कि भाई ये फैसला जो है पार्टी के लिए सही नहीं होगा, अगर हम कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए तो ये फैसला सही हो सकता है, तो उसके ऊपर हमारी चर्चा भी होती है, बातचीत भी होती है, उसको माना भी जाता है। ये कोई कांग्रेस जो गिरोह थोड़ी ना चला रही है, इंटरनल मैटर है, तो इसको अंदर से सुलझाओ ना, पब्लिक के सामने आप ये चीज़ें कर रहे हैं। कहीं नहीं, पब्लिक के साथ वो आमने सामने बातचीत, मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, देखने वाली बात होती है कि मीडिया उसको कैसे देखता है, हम कैसे, हम कार्यकर्ता के तौर पर देख रहे थे कि राहुल गांधी जी कैंडिडेट का भी और किरण चौधरी जी का, दोनों का हौसला बढ़ा रहे थे, कोई बात नहीं, आप देख रहे हो कि बहस कर रहे हैं, तो देखने देखने का नजरिया ना। हिसार में हमने लगभग वोटिंग वाले दिन हर बूथ के ऊपर हम लोग गए थे, तो गांव में तो हालांकि चलो ठीक है, बट शहर के अंदर, हिसार शहर की बात करूँ तो 9 बजे के बाद में अपने बूथ से एजेंट गायब थे, टेंट खाली पड़े हुए थे। तो आप बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दावा कर रहे हैं, देखिए हो सकता है किसी एक आध बूथ के ऊपर हमारे किसी कार्यकर्ता को, 17 बूथ हमने काउंट किए थे, खुद किए थे हमने काउंट, कि 17 बूथ पे तो कुछ मिला नहीं, उसके बाद में हमारा भी मन उठ गया कि मैं छोड़ो यार, बाहर ही चलते हैं कहीं पे। ना, मैं देखो ये मेरे को स्वीकार करने में बड़ा खेद है इस बात से कि इतने इतने बूथों के ऊपर हमारे कार्यकर्ता नहीं होंगे, तो अगर आप कह रहे हैं तो एक अलग विषय है, लेकिन मैं खुद 7 बजे 7:15 बजे के आसपास जो है मेरे बूथ के ऊपर था और मैंने अपना वोट भुगताया है, और जब 7:15 बजे बूथ पे था तो बाहर सैकड़ों की संख्या में हमारे टेंट के अंदर लोग थे, अंदर हमारे एजेंट बैठे थे, लाइन लगी हुई थी, कार्यकर्ता वोट डालने के लिए आए हुए थे, तो ऐसा मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिला, और चाहे मैं कहीं ड्यूटी दे रहा था वहाँ देखने को नहीं मिला, जहाँ मैं वोट कास्ट कर रहा था वहाँ भी देखने को नहीं मिला मुझे। एक बड़ी बात और सामने निकल कर आ रही है कि शैलजा के जो सपोर्टर हैं, जो वर्कर हैं, जो साथ में काम करते हैं, वो बोल रहे हैं कि जी शैलजा जी ने हुड्डा को बड़ा मान सम्मान दिया, वहाँ पे उनके होर्डिंग में, न्यूज़पेपर के अंदर, पोस्टर्स के अंदर, डिजिटल के अंदर, उनकी हर जगह उनको बराबर दर्जा दिया, सम्मान में उनका फ़ोटो रखा, बट यहाँ क्या हुआ, जेपी जी ने अपने किसी कार्यक्रम के अंदर शैलजा जी की कहीं भी कोई फ़ोटो या उनका कोई जिक्र नहीं किया, तो इससे जो समर्थक जो है नाराज़ है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वो तो कैंडिडेट को खुद को देखना ही चाहिए, और हमारे जितने भी बड़े नेता हैं और जिनसे लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनके फॉलोवर भी हैं, तो उनको मान सम्मान देना हमारी जिम्मेवारी बनती है और हमें देना भी चाहिए। देखिए, वो तो जिसने नहीं किया वो बता सकते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो आपके हिसाब से गलत है ना ये? देखिए, मैं कह रहा हूँ वो तो ये तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वो तो उनको देखना ही चाहिए, 100% देखना चाहिए, इसमें क्या दोराई है? नहीं, मतलब क्या होना चाहिए था ना ऐसा कि भाई, अगर शैलजा जी का भी देखो सिर्फ हिसार सीट के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छा खासा प्रभाव है, आप इस बात को सवाल क्यों माने, क्यों नहीं होना चाहिए? वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, ठीक है, वो हमारे यहाँ प्रत्याशी, तो ये गलती की है कांग्रेस पूर्व में, ये गलती की है कांग्रेस। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो उन्होंने क्यों नहीं लगाया या लगाया, मैंने ना तो कोई पोस्टर देखा है, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर नहीं लगाया तो उनको लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया वो बता सकते हैं, ठीक है। और रही बात हमारा, तो सारे के सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से अपने अपने विधानसभाओं में जहाँ उनकी ड्यूटी थी सब लगे हुए थे, अपना अपना काम कर रहे थे, और ये अख्तियार जो है वो कैंडिडेट के पास रहता है या पार्टी फोरम में रहता है कि वो फ़ोटो कैसे और किस सीक्वेंस से लीडरशिप की लगती है, और होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए?
होना ही चाहिए। हाँ होना ही चाहिए, ये नाराजगी है, वाकई में नाराजगी है। शैलजा समर्थकों में इस बात की नाराजगी है कि कहीं ना कहीं उनकी फ़ोटो नहीं लगी, तो वो नाराज़गी जाहिर भी कर रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वोटिंग के टाइम पे कितना उनको उनकी द्वारा सपोर्ट किया गया या नहीं किया गया। एक सर बड़ा सवाल हो रहा है सामने कि बरवाला में आप एक्टिव हैं और बरवाला के ही एक ओबीसी नेता हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियाँ भी उन्होंने करवाई है, JPG के प्रोग्राम में रोड शो भी करवाया था और बड़ी बड़ी रैली भी करवाई थी, बट अब खबरें निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने टांग खींचने का काम किया है। देखिए मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और मैं किसी के बारे में ऐसा कहूँ ये मुझे अख्तियार भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो पार्टी लेवल के ऊपर पार्टी देखेगी उसको, लेकिन मेरे पास व्यक्तिगत ऐसी कोई सूचनाएं नहीं है। मुझे तो लगता है सारे जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब नेता हैं, सबने मेहनत करी, सबने कोशिश करी और सुखद रिजल्ट रहेगा। विशेष तौर पर अगर बरवाड़ा की बात करूँ तो हम बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई सूचनाएं हैं तो वो पार्टी के पास भी होंगी, पार्टी इसके ऊपर क्या सोचती है क्या करती है वो। एक जेन्युइन रिव्यू, जैसे आपने सिरसा के बारे में बताया कि 2 लाख प्लस वोटों से हम जीत रहे हैं, तो हिसार की क्या स्थिति लग रही है आप? देखिए वहाँ चुनाव जो है बिल्कुल एक तरफा है, वहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ किसी प्रकार का कोई कास्ट बैरियर, धर्म बैरियर कुछ भी नहीं है और लोगों ने बड़ा मन से और दबा के वोट डाले हैं। हिसार की जब बात करें हम, देखिए हिसार हम डेफिनेट जीत रहे हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। देखिए अलग अलग, जैसे हमारा हिसार जो शहरी क्षेत्र है तो हिसार शहरी क्षेत्र में BJP के पास एज रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पिछली बार जितना वोट BJP को मिला था उतना वोट BJP को अब की बार नहीं मिलेगा, उसका कम होगा। और ग्रामीण जितने भी इलाके हैं, ग्रामीण जितनी भी असेंबली हैं, उसमें सब जगह पे कांग्रेस जीत करके आएगी, अच्छे मार्जिन से कांग्रेस हिसार और सिरसा और बाकी सीटों को जीतने वाली है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्या लगता है आपको? 100% कैसे लगता है आपको? जैसे यहाँ लगता नहीं, मेरे लगता है लोगों का उत्साह है। सवाल इसलिए बड़ा है कि जो हुड्डा ग्रुप या फिर जो शैलजा जी आपस में एक दूसरे को आजकल टांग खींचने में लगे हुए हैं, क्या वो बाहर के आम आदमी पार्टी के नेता को इतनी ऐस देंगे? देखिए आपने वोटिंग उनकी तरफ करवाएंगे? ऐसा है, देखो इंडिया गठबंधन जो बना है और गठबंधन भरोसे पे होते हैं, हम उस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी हैं और सबसे बड़ी पार्टी होने का दायित्व तो हमने बहुत अच्छे से निभाया, हमारे नेताओं ने बहुत अच्छे से निभाया है। ये हमारे जिनका नाम आपने लिया सीनियर लीडर जितने भी हैं, और इस चीज़ को हम बहुत गहराई से समझते हैं कि आज इस देश को इस गठबंधन की बहुत ज़रूरत है और इसकी एक एक सीट की बहुत ज़रूरत है। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम ऐसा सोच भी सकते हैं? करना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, उसका भी रीज़न है मेरे पास, वो बताता हूँ मैं आपको। अभी इंडिया गठबंधन की आपने बात की तो अभी एक सुबह ही रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो उसमें ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था अभी जो 7वां चरण जो लास्ट चरण के चुनाव वोटिंग बाकी है ना, तो अभी पंजाब की भी पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसमें ना अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तगड़ा मुकाबला रहेगा, इस सीट के ऊपर कांग्रेस और BJP का मुकाबला रहने वाला है, इस सीट के ऊपर BJP और आपका मुकाबला रहने वाला है, बाकी जगह तो गठबंधन है आपका, पंजाब में गठबंधन नहीं है, पंजाब में वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहे हैं, वहाँ गठबंधन की आपको जरूरत नहीं पड़ी, बाकी जगह आपको गठबंधन चाहिए, ये तो मतलब की राजनीति हुई ना? ना ऐसा नहीं है। देखिए ये फैसला बंगाल में है, ममता जी ने, वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है लेकिन उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा है। केरल में हमने भी चुनाव लड़ा है, लेफ्ट ने भी चुनाव हमारे सामने लड़ा है, क्योंकि वहाँ मुख्य दो ही दल हैं, लेफ्ट और कांग्रेस है, तीसरा कोई दल है ही नहीं केरल में। जैसे ही पंजाब में है, पंजाब में तीसरे की गिनती नहीं, BJP है ही नहीं पंजाब में, BJP कैसे लड़ेगी? BJP है नहीं तो फिर क्यों मिलके लड़ लेते ना? अभी तो सरकार तो मिलके बनानी है आप लोगों ने इंडिया गठबंधन की। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बैठकें हुई है इंडिया गठबंधन की, सब नेताओं ने बैठ करके तय किया है, और एक तो कार्यकर्ताओं के साथ जो राय शुमारी हुई, नेताओं की आपस में राय शुमारी हुई, उसके बाद ये फैसले हुए हैं। तो ये तो हमारे पास इख्तियार है ना कि हम गठबंधन को चलाते कैसे हैं। देखिए दिल्ली में हमने गठबंधन करके एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है, हरियाणा में लड़ा है, गुजरात में लड़ा है, या दूसरे एक दो प्रदेश में और है जो गठबंधन के साथ लड़ा है, और पंजाब में हमारा गठबंधन इसी तरीके से हुआ है, तो इसमें कौन सी बात है कि भाई हमने गठबंधन जो गलत किया? सब करते हैं। ये बीजू पटनायक जी की जो बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक जी की, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो बाहर से समर्थन सरकार को दे ही रहे थे, जैसे चुनाव हुआ वो अलग अलग हो गए। अब नीतीश कुमार जी, वो हमारे इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, चुनाव साथ आया, उनका लालच जागा तो भाग करके BJP ने उसको ले लिया, तो ये चीज़ तो आपको उनकी शायद नज़र नहीं आती होंगी। एक छोटा सा सवाल ये है कि ये बता दो मेरे को कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी जीत के आएंगे, जो कैंडिडेट जीतेंगे, वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे या फिर वो BJP को सपोर्ट कर सकते हैं? ना, BJP को तो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए
आम आदमी पार्टी का हमारे साथ गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन का अलायंस है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन तब भी हिस्सा हैं। टीएमसी ने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आज भी। ये तो कोई, ये तो तय हो चुका है ना कि पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। कहीं पार्टी समर्थन किसी रूप में दे रही है, कहीं पार्टी समर्थन किसी रूप में दे रही है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस इस बार सरकार बना रही है? ऐसा है, 100% इंडिया गठबंधन की इस देश में सरकार बनेगी, बहुत अच्छे मार्जिन से बनेगी, अच्छी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। और हम तो हौसले में हैं, उम्मीद में हैं कि आज से 4 महीने के बाद हरियाणा में इलेक्शन होगा, 80 सीटों के साथ हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे, कार्यकर्ताओं की सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। ये वो 75 पार वाला नारा आपने 80 पार तो पहुंचा दिया उसको? नहीं, आपके सामने है, लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की 80 सीटें आने वाली 4 महीने बाद? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा, आपको अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। कमाल कमाल कर रहे हो अभी आप, मैं कह रहा हूँ मेहनत करोगे तो सब मेहनत तो हम करेंगे, मेहनत तो क्यों नहीं करेंगे हम। अगर आपने अगर 5-4 सीटें हमारी घटा दी ये बात कह के, तो हमें तो 85 करनी पड़ेगी, 85 करनी पड़ेगी हमारे को तो। और ये जो करनाल में भी एक उपचुनाव हो रहा है जिसमें नायब सैनी अपने मुख्यमंत्री साहब जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, नायब सैनी वहाँ से उपचुनाव जो है लड़ रहे हैं, मैंने तो आपको बताया कि 11-11 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है, उनका बुरा हाल होने वाला है, वो नए आदमी है वहाँ। और मनोहर लाल जी को अगर वहाँ के लोग स्वीकार नहीं करें, जब 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं और वो करनाल के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो नए मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद उन लोगों को। तो डेफिनेटली कह रहे हैं कि 11 सीटें कांग्रेस जीतने वाली, और विधानसभा का चुनाव नायब सैनी हारेंगे, आप देखना आपके सामने। किशन जी, पॉजिटिवली आपसे बहुत अच्छे टॉपिक पर बहुत अच्छी बातचीत हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया कमल जी, आपने मौका दिया, दर्शकों से बातचीत करने का मौका दिया, और विशेष तौर पे मैं हमारे दर्शकों को यही कहूँगा कि आप जो हैं कमल जी के साथ और चैनल के साथ बने रहें, नई सूचनाएँ आपको मिलती रहेंगी, हमारी आपस में बातचीत भी होती रहेगी। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता कृष्ण सातरोड, जिनसे पॉजिटिवली अच्छे तरीके से इन्होंने सिरसा लोकसभा, हिसार लोकसभा, हरियाणा लोकसभा के अंदर जो भी घटनाक्रम अभी तक हुआ है, जो रिजल्ट आने वाला है, उसके ऊपर पॉजिटिव चर्चा हम लोगों ने की। आगे भी इस तरह की चर्चा जारी रहेगी, रिजल्ट 4 तारीख को आने वाला है, 4 तारीख तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ, देखते रहें और शेयर करें। नमस्कार।